धमतरी जिले में हाथी के शावक की मौत होने का मामला सामने आया है। वहीं इस घटना से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शावक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। दरअसल साकवा वन परिक्षेत्र के कर्मचारी सर्चिंग पर निकले थे, तभी ग्राम चंदन भागा के पास एक नाले में हाथी के शावक का शव मिला। बताया जा रहा है कि दलदल में फंसने की वजह से हाथी के शावक की मौत हुई है। गौरतलब है कि धमतरी जिले के नगवी क्षेत्र में सिकासेव दल के करीब 50 हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है और वर्तमान में ये दल दो हिस्सों में बट गया है। बहरहाल वन विभाग पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्यवाही में जुट गए। लगभग 3 से 4 महीने एज का एक नर हाथी का बच्चा वहाँ पे चंदन महारा बीट में साकरा वन परिक्षेत्र में एक मृत होने की कल सूचना मिली थी। स्टाफ जब हमारा मॉर्निंग हाथियों के ट्रैकिंग कर रहा था, वो वॉक करते वक्त उनको कुछ स्मेल आने लगा। उन्होंने आसपास ढूंढा तो वहाँ पे एक दलदल में एक हाथी का जो है एलिफेंट काफ वो 4 to 6 मंथ्स का एज होगा उसका, उन्होंने मृत पाया था। सूचना मिलते ही पूरे टीम वहाँ पे पहुँची थी। तो कल वहाँ पे जो हाथी का दल था वो आसपास ही था, तो कल हम वहाँ पे उसको पोस्टमार्टम नहीं कर पाए थे। तो आज मॉर्निंग से हमारी टीम पूरी लगी हुई थी, हमने पूरे शिनाख्त करके कि वहाँ पे हाथी का दल नहीं है आसपास, उसके बाद ही हमारी पोस्टमार्टम की टीम गई, वेटरनरी डॉक्टर्स की टीम गई और उन्होंने पोस्टमार्टम किया और उसको वहीं पे पास में गड्ढा करके आज उसका दफनाया गया जो प्रोटोकॉल अनुसार